नॉनवेज के शौकीन लोगों के लिए लखनऊ के टुंडे कबाब खाना किसी मन मांगे मुराद पूरा होने से कम नहीं है। 110 साल से ज्यादा पुराना लखनऊ के टुंडे कबाब के स्वाद के आगे देश भर के बड़े बड़े खानसामे और फाइव स्टार होटल्स के शेफ भी फीके पड़ जाते हैं। देश विदेश से यहाँ नामी गिरामी हस्तियाँ मुगलिया जायके की पहचान लखनऊ के टुंडे कबाबी का स्वाद चखने के लिए आते हैं। इसमें बॉलीवुड के कई सितारे भी शामिल हैं, अनिल कपूर, ऋषि कपूर, कपिल देव, शाहरुख खान, सलमान खान, राजेश खन्ना, गोविंदा, दिलीप साहब, विनोद खन्ना, आमिर खान, लिस्ट लंबी है। लखनऊ की टुंडे कबाबी दुकान अपने स्वादिष्ट गलौटी कबाब, कोरमा और बिरयानी के लिए सालों से फेमस है। यहाँ के कबाब इतने सॉफ्ट होते हैं कि मुंह में जाते ही पिघल जाते हैं। यहाँ के स्वादिष्ट खाने का राज यही है कि यहाँ की महिलाएं खाना बनाने के लिए घर में ही अलग से मसाले तैयार करती हैं। टुंडे कबाब की कई दुकानें आपको लखनऊ के पुराने इलाके की गलियों में देखने को मिल जाएंगी। बताया जाता है कि यह कबाब बिना दांतों वाले नवाब के लिए बनाए गए थे। इसके लिए गोश्त को बारीक पीसकर और उसमें पपीता मिलाकर ऐसा कबाब बनाया गया जो मुंह में डालते ही घुल जाए, और पेट दुरुस्त रखने और स्वाद के लिए उसमें विशेष तरह के मसाले मिलाए गए। इसके बाद हाजी परिवार भोपाल से लखनऊ आ गया और अकबरी गेट के पास गली में छोटी सी दुकान शुरू कर दी। इन कबाबों की खासियत है कि इनमें 120 मसाले डाले जाते हैं। टुंडे कबाबी लखनऊ की एक स्ट्रीट फूड जॉइंट है, जहां एक साइड से बाहर से ही लोग कबाब पैक कराकर ले जा सकते हैं और दूसरी तरफ से अंदर रेस्टोरेंट में बैठकर खा भी सकते हैं। वैसे तो टुंडे कबाब के देश भर में कई आउटलेट्स हैं, लेकिन असली मजा तो ओरिजिनल में ही है। यहां पर आपको कई वैरायटी के कबाब मिलेंगे, जिनमें से गलौटी कबाब का स्वाद बेहद ज़बरदस्त है। अमीनाबाद के अलावा कपूरगंज और सहारागंज में भी टुंडे कबाबी की ब्रांचेज है। अगर आपने भी टुंडे कबाबी का स्वाद चखा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको कैसा लगा।